Assalamualaikum class 6 students, today our topic is microscope. Microscope is an instrument which is used to see very small things that cannot be seen with naked eye. ऐसी चीज़ें देखने में हेल्प करता है जो हमारी इस आँख से आम आँख से नहीं देखी जा सकती हैं. When we look at something through a microscope, it appears larger. जब हम किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं, यहाँ पर स्टेज पर रख के, यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से हमें ये नज़र आता है, आई पीस पर हम अपनी आँख रखते हैं, तो फिर हमें वो चीज़ बड़ी नज़र आती है. द माइक्रोस्कोप वी यूज़ इन आर स्कूल्स आर लाइट माइक्रोस्कोप्स. दीज माइक्रोस्कोप्स यूज लाइट टू शो इमेजेस. ये देखें, यहाँ पे इसका ये मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे फ्लैश लाइट से लाइट की रेज डाली जाती हैं, वो जब ऊपर ऐसे रिफ्लेक्ट होती हैं, ऐसे 90 का एंगल बनाती हैं, यहाँ से हम अपनी आँख डाल के देखते हैं. मतलब एक जैसे फौजी एक गोली का निशाना लेने के लिए एक आँख बंद करके विंक करके, यहाँ पे हमने एक स्लाइड रखी होती है, स्लाइड के ऊपर हमने वो सैंपल रखा होता है जिसे हमने ऑब्ज़र्व करना होता है, तो फिर वो यूँ हमें नज़र आती है. यहाँ से लाइट पड़ती है, यहाँ से लाइट पड़ती है, यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है. यूँ ये लाइट को यूज़ करते हुए हम ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखते हैं. A light microscope has a base, an arm, a tube, and two adjustment screws. Two lenses are fitted on the two ends of tubes. The lens at the end of the tube through which we observe an object is called an eyepiece. मैं आपको एक एक अलहदा अलहदा लेबल करके दिखाती हूँ. ये आईपीस, ठीक है, ये हमारे पास एडजस्टमेंट स्क्रूज, ठीक है, ये इसकी आर्म है, ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस हैं ये दोनों, ठीक है, ये स्टेज है, ये इसका मिरर लगा हुआ है, ये इसकी बेस है, ठीक है. मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे हमने अपनी आँख से देखा, यहाँ से वो जो हमारी आँख का एंगल है, यहाँ पे भी एक लेंस लगा होता है, यहाँ पे भी लेंस लगा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो आँख का जाविया है वो यूँ रिफ्लेक्ट हो जाता है. और जो यहाँ पे चीज़ पड़ी होती है, यहाँ पे जो चीज़ पड़ी होती है, फिर वो हमें बिल्कुल क्लियर और बड़ी होकर उसका साइज़ नज़र आता है. जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ऐसी अपनी आँख से नज़र नहीं आ सकती, फिर वो हमें यहाँ पर नज़र आती हैं. ये आई पीस है. The lens near the object to be seen is called an objective lens. ये objective lens, यहाँ stage पर हम slide रखते हैं और फिर objective lens हमें उन्हें large appear करके दिखाते हैं. Light is passed through the object from below using mirror. ये mirror है, यहाँ से light हम reflect कराते हैं. The object to be seen is placed on a glass slide and then on the stage. मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये एक different microscope है, लेकिन ये इसका stage है, ऐसा रेक्टेंगल, ठीक है, और ये स्लाइड पड़ी हुई है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है. अब यहाँ से हमें ये नज़र आएंगे. स्लाइड्स कुछ ऐसी होती हैं, रेक्टेंगल साइज के बिल्कुल बारीक बारीक पीसीज होते हैं, ताकि हमें टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली द इन द माइक्रोस्कोप टू एडजस्टमेंट स्क्रूज आर यूज्ड. अब ये देखें, ये हैं एडजस्टमेंट स्क्रूज, इन्हें हम यूँ घुमा घुमा के ऐसे तो हम इन्हें सेट कर सकते हैं, इनकी फोकल लेंथ सेट कर सकते हैं. जैसे हमने पढ़ा है कि अगर किसी बंदे की आँख को कोई मसला हो जाए या फिर उसकी आँख की नज़र कम हो जाए, अगर उसकी आँख ठीक ना रहे, डिफेक्टेड हो जाए, तो उसे फिर ग्लासेस लगते हैं. ग्लासेस में जैसे होता है ना, नंबर होता है, इसका 4 नंबर है, उसका 1.5 नंबर है, पॉजिटिव है, माइनस है, ठीक है, ऐसे फिर हम इनकी फोकल लेंथ को सेट करते हैं ताकि वो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर और बड़ी नज़र आए. नेक्स्ट है, वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज. 1500 दफ़ा अगर उसको हम बड़ा करें तो वो जो साइज़ बनेगा, हम उस चीज़ का वो साइज़ अपीयर जो होगा वो हम व्यू कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप. जैसे कि स्किन सेल्स, आपने कभी अपने स्किन सेल्स ऑब्जर्व तो नहीं किए जैसे हमने पिछले पिक्चर में किए थे. स्लाइड, अब ये स्लाइड है, ये कैसी होती है. The slide is a rectangular piece of glass. The object is placed on it to observe under the microscope. हर बच्चे ने अपना कभी ना कभी ब्लड टेस्ट तो करवाया ही होता है. अगर ब्लड टेस्ट करवाएं तो अगर आपने उन्हें अच्छी तरह ऑब्जर्व किया हो तो वो पहले ब्लड सिरिंज में से
सिरिंज में लेते हैं आपकी बॉडी से, फिर उसे एक स्लाइड के ऊपर रखते हैं सिर्फ एक, फिर उस ड्रॉप को स्लाइड के ऊपर प्लेस किया जाता है, जैसे इसके ऊपर प्लेस किया हुआ है इन्होंने, ये कुछ प्लेस किया हुआ है इन्होंने, और फिर उसे यहाँ पर स्टेज पर रख के ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डू यू नो, Nowadays, scientists use electron microscopes to see very small objects inside the cell. अब सेल के अंदर क्या क्या है उससे भी ऑब्जर्व करने के लिए साइंटिस्ट ने डेवलप कर ली हैं लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। वो यूज़ करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि नेगेटिवली चार्ज एटम के पार्टिकल्स को, जो ऑर्बिट्स के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द इमेज अप टू 500,000 टाइम्स। यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी इन्फो गलत लिखी हुई है, तो वो है 1,500,000 टाइम्स है ये। इट शोज क्लियर इमेजेस ऑन टेलीविजन स्क्रीन। द माइक्रो दिस माइक्रोस्कोप यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर ये लाइट रिफ्लेक्ट करवाते हैं, वैसे वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम को पास करवाते हैं उस चीज़ से जिसे ऑब्जर्व करना होता है। ये देखें, ये इन्होंने मून की डस्ट में से आयरन के क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व किया हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। जैसे आप कभी टेलीविज़न देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि उसकी स्क्रीन पे आपको चीज़ें नज़र आती हैं, तो ऐसे ही हम चीज़ को प्लेस करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन हमें उसका व्यू जो नज़र आता है वो एक टेलीविज़न स्क्रीन के अंदर नज़र आता है। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव ट्राई टू क्लियर ऑल द टॉपिक्स, इफ़ नॉट देन यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट्स। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर ईद। अल्लाह हाफिज़।